हाँ तो भाई आईपीएल का मैच नंबर 36 जो कि खेले जाने वाला है केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच में, या कहे तो कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच में खेला जाने वाला है। तो इस मैच के लिए अपना ग्रैंड लीग का स्पेशल यूनिक टीम क्या रहने वाला है, इस वीडियो में कम्प्लीट बात करने वाले हैं। वैसे हर कोई जानता है कि इस मैच के लिए टीम बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको टीम में ध्यान देना है। हर कोई जानता है कि यहाँ पर केकेआर के हमको ज्यादा प्लेयर लेके चलने हैं, आरसीबी के कम चलने हैं, क्योंकि आरसीबी के जो भी टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है उतना अभी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। पिछले मैच दो मैचों से जो है फाफ डुप्लेसिस अच्छा चला है, विराट कोहली एवरेज ठीक ठाक खेल रहा है, बाकी उतना भी अच्छा कोई प्लेयर नहीं है। ठीक है, तो क्या इस बार केकेआर की जो टीम है उसके टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन है जैसे सुनील नारायण है, ठीक है, फिलिप सॉल्ट है, वही लोग को लेकर चल रहा है सिर्फ कि नीचे के भी बैट्समैन लेने हैं, क्योंकि आरसीबी में ज्यादा अच्छे बॉलर है नहीं कि कोलकाता के ज्यादा विकेट निकाल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट बात करेंगे कि किस खिलाड़ी को हम लोग ट्रम्प कार्ड लेके जिनका सिलेक्शन लो है यहाँ पर चल सकते हैं, साथ ही कोलकाता से कितने प्लेयर लेंगे, आरसीबी से कितना लेंगे, और कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अगर आज आपको बताएं तो वाइस कैप्टन जो है अपना आज सुनील नारायण रहेगा, लेकिन कैप्टन अपना आज थोड़ा सा यूनिक रहेगा। कैप्टन आज सुनील नारायण को लेकर आपको नहीं जाना है, वाइस कैप्टन लेके जाना है। कैप्टन के बारे में वीडियो में हम आगे बात करेंगे। तो सारी चीजें देखेंगे, कौन सा प्लेयर पिछले मैचों में कितना फैंटेसी पॉइंट दिया है, कितने बार ग्रैंड लीग की टीम में आया है, तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखना ताकि खुद से आप एक बेहतर फैंटेसी टीम दोस्तों बना सके। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग वेन्यू वगैरह से। पहले यहाँ पर कोलकाता का देखा जाए तो 3 मैच विन है 2 लॉस है, उसके बाद आरसीबी का 5 लॉस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें वेन्यू की तो ईडन गार्डन कोलकाता इंडिया में मैच खेला जा रहा है, जो कोलकाता के प्लेयर है उनका होम ग्राउंड रहने वाला है, तो हर तरफ से देखा जा रहा है कि कोलकाता ही ये मैच जीतेगी। ठीक है, उसके बाद पिच की मैं बात करूं, बैटिंग फ्रेंडली पिच होने वाला है और गुड फॉर पेसर्स है, फास्ट बॉलर जो है काफी बढ़िया चलते हैं। और वेदर की बात करें, वेदर ओवरकास्ट रहेगा, एवरेज रन 183 का इस ग्राउंड का है। ठीक है, टोटल 11 विकेट लिए गए, 11 में से 4 विकेट मिले स्पिनर को, बाकी दोस्तों 7 विकेट मिले यहाँ पर पेसर्स को। और हेड टू हेड में टोटल 11 मैच खेला गया दोनों आपस टीमों में, जिसमें केकेआर की टीम ने 6 मैच जीत रखा है और आरसीबी ने भी 5 मैच यहाँ पर जीत रखा है हेड टू हेड में। ठीक है, उसके बाद अब सीधा हम लोग प्रिडिक्शन स्टार्ट करते हैं। तो जो भी वीडियो में टीम कंप्लीट करेंगे उसमें अगर लाइनअप के बाद कोई भी आपको चेंज या अपडेट मिलता है तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फाइनल टीम आपको वहीं पे दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले फिलिप सॉल्ट की अगर हम बात कर लेते हैं पिछला कुछ मैचों की, तो फिलिप सॉल्ट ने यहाँ पर 7 मैच खेले हैं। ठीक है, 7 मैचों में 3 मैच चला है, बाकी 3 मैच यहाँ पर फ्लॉप है। तो इस मैच में आप फिलिप सॉल्ट को एकदम लेके जाना, ठीक है, विदाउट नो डाउट, मतलब सीधा फिलिप सॉल्ट को टीम में लेके जाना। दिनेश कार्तिक की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दिनेश कार्तिक पिछला मैच में बहुत अच्छा चला है, इस बार भी चलेगा, मैं इसको लेके जाऊंगा, लेकिन यही गलती आपको नहीं करना है। इस बार दिनेश कार्तिक को आपको टीम में ड्रॉप करके चलना है, ज्यादातर इसके चांसेस रहेंगे फ्लॉप होने की, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। देख लेना, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करेगा, थोड़ा बहुत सा कर सकता है या तो वो भी नहीं, ठीक है, फ्लॉप होने के ज्यादा चांस रहेंगे। तो दिनेश कार्तिक को हम यहाँ पर ड्रॉप करके चलेंगे आरसीबी के प्लेयर को। ठीक है, उसके बाद नीचे अगर मैं बात करूं अनुज रावत है जो कि यहाँ पर ट्रम्प प्लेयर के लिए आप इसको रखना चाहो तो रख सकते हो, आरसीबी की तरफ से पहले 2 मैच अच्छा खेला है, उसके बाद लास्ट यहाँ पर 3 मैच फ्लॉप होके आ रहा है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, हालांकि सब्स्टिट्यूट प्लेयर है, इसको खेलने का मौका नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से लेके नहीं जाएंगे, ऑप्शन अच्छा था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बैटिंग लाइनअप की बात करें तो देख सकते हो फिलिप सॉल्ट ओपनर अपने टीम का, उसके बाद दिनेश कार्तिक यहाँ पर 6 नंबर पे है। तो यहाँ पर जो फाइनल यहाँ पर हम पिक कर रहे हैं प्लेयर, सिर्फ और सिर्फ फिलिप सॉल्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, लेके जाएंगे दिनेश कार्तिक के ज्यादा चांस बनेंगे इस मैच में फ्लॉप होने के, तो आप छोड़ के जा सकते हो, रिस्क ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद बैटिंग की बात करें तो फाफ डुप्लेसिस है, अगर डुप्लेसिस की मैं बात करूं रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में तो 3 मैच से बैक टू बैक काफी बढ़िया डुप्लेसिस चला है, लेकिन इस मैच में डुप्लेसिस भी फ्लॉप होने के चांस बनते हैं, क्योंकि सामने वाले टीम में आप जान रहे हो मिचेल स्टार्क है, वरुण चक्रवर्ती है, हर्षित राणा है, आंद्रे रसल है, सुनील नारायण काफी अच्छे गेंदबाज है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोशिश करना कि आरसीबी के टॉप ऑर्डर के कम बैट्समैन लेके चलना, क्लियर चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, काफी ज्यादा विकेट गिरने वाला है यहाँ पर आरसीबी का। तो फाफ डुप्लेसिस 3 मैचों से बैक टू बैक चला है, इसको भी टीम में ड्रॉप रखेंगे। हाँ, विराट कोहली को आप लेके चल सकते हो, विराट कोहली स्टेबल प्लेयर है, आराम से थोड़ा टिक के खेलता है, तो आप इसको टीम में यहाँ पर ले जा सकते हो, राइट हैंड बैट्समैन, राइट हैंड मीडियम फास्ट। ठीक है, तो विराट कोहली को टीम में पिक कर लेना, इंपॉर्टेंट होगा आरसीबी की तरफ से। रिंकू सिंह की बात करूं तो रिंकू सिंह का भी बढ़िया था, लेकिन यहाँ पर रिंकू सिंह को हम लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि 7 मैचों में 1 मैच चला है वो अलग बात है, इस मैच के लिए ट्रम्प प्लेयर बेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर रिंकू सिंह को खेलने का मौका ना के बराबर मिलता है, इसलिए इसको लेकर नहीं जाऊंगा। श्रेयस अय्यर लगातार 6 मैचों से कंटिन्यू फॉर्म में बने हुए हैं, सारे मैचों में बैक टू बैक ग्रैंड लीग टीम में 57 46 45 52 और 32 फैंटेसी पॉइंट के साथ ग्रैंड लीग टीम में
शामिल है, तो इस मैच के लिए भी आप इसको पिक कर लेना श्रेयस अय्यर को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो वेंकटेश अय्यर है, ये भी ट्रम्प प्लेयर के लिए सही होता, लेकिन इसका भी बैटिंग लाइनअप काफी नीचे है, जिसकी वजह से इसको भी मैं छोड़ के जाऊंगा, ठीक है। अभी सभी का हम बैटिंग लाइनअप आपको दिखाएंगे क्यों छोड़ के जा रहे हैं। रघुवंशी को आप फिर से रख सकते हो ट्रम्प कार्ड प्लेयर के तौर पर, राइट हैंड बैट्समैन, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, कभी कभी पार्ट टाइम गेंदबाजी भी करा देता है, तो आप यहाँ पर रघुवंशी को ट्रम्प प्लेयर के तौर पर रख सकते हो, या फिर रजत पाटीदार को बेस्ट ऑप्शन वैसे ट्रम्प कार्ड प्लेयर का। यहाँ पर रजत पाटीदार रहेगा, राइट हैंड बैट्समैन है, बैटिंग लाइनअप को देखते हुए, क्योंकि इसका अगर हम आपको सभी का बैटिंग लाइनअप चेक कराएं, ठीक है। उसके बाद एक और है यहाँ पर लोमोर है, लोमोर ने यहाँ पर चार मैच खेले हैं जिसमें से सिर्फ एक मैच बढ़िया परफॉर्म किया, बाकी सारे मैचों में क्लियर कट यहाँ पर फ्लॉप है, स्लो हैंड बैट्समैन है, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, ठीक है। अब बात करते हैं एक और प्लेयर है नीचे, चौहान है, सौरभ चौहान, ये भी दो मैच खेला है, तीन मैच, सारे मैचों में लगातार बैक टू बैक फ्लॉप है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं बैटिंग लाइनअप की, तो हमको जो मेरा प्रिडिक्शन कहता है कि केकेआर का ज्यादा विकेट गिरना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा गिरेगा तो यहाँ पर आंद्रे रसल तक आते आते मैच खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिंकू सिंह 6 नंबर का खिलाड़ी है, इसको खेलने का मौका ना मिले शायद। वेंकटेश अय्यर 7 नंबर का है, इसको भी नहीं मिल सकता है। तो जो प्लेयर को बैटिंग करने का मौका अगर नहीं मिला, उसको हम टीम में लिए हैं, तो वो बिल्कुल फिक्स है कि फ्लॉप जाएगा, ठीक है, उसको परफॉर्मेंस करने का मौका ही नहीं मिला। अगर उधर से बात करें विराट कोहली टॉप ऑर्डर का बैट्समैन लेके जाएंगे, फाफ डु प्लेसिस सेकंड डाउन है, इसको छोड़ के जाएंगे। विल जैक्स इसको लेके मैं चलूंगा ऑलराउंडर पे। रजत पाटीदार को आप ट्रम्प प्लेयर के तौर पर ले सकते हो, चौहान ने 3 मैच खेले हैं, तीनों मैच में फ्लॉप है। दिनेश कार्तिक 6 नंबर का बैट्समैन है। तो फाइनल बात करते हैं कि ऑलराउंडर सेक्शन पे, सॉरी बैटिंग पे लेना किसको है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ हम ले लेंगे विराट कोहली को पहला प्लेयर यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर श्रेयस अय्यर को ले लूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रजत पाटीदार, 3 बैट्समैन, 1 रघुवंशी को हम ले सकते हैं, 4 बैट्समैन टोटल हमने यहाँ से लिए हुए हैं, जिसमें से अपने यहाँ पर 2 ट्रम्प खिलाड़ी है, 1 रघुवंशी, 1 रजत पाटीदार, ठीक है। क्लियर कट मैं 4 बैट्समैन लेके जा रहा हूँ। उसके बाद ऑलराउंडर की बात करें तो आंद्रे रसल है। आंद्रे रसल का हालांकि जिस टाइप का स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस दिख रहा था आईपीएल में, अभी उतना बढ़िया नहीं दिख रहा है। पहले के जो 3 मैचेस खेले थे बैक टू बैक 143, 62 और 90 फैंटेसी पॉइंट दिए थे। उसके बाद फिर से बीच में एक मैच ब्रेक लगा, फिर यहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस, फिर से लास्ट मैच जो है यहाँ पर ब्रेक है, ठीक है। सुनील नारायण की बात करें तो इनका पूछना ही नहीं है परफॉर्मेंस के बारे में। लास्ट 5 मैच खेले हैं, 5ों मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन का पारी हर मैच में खेल के दिए हैं। लास्ट मैच खास करके यहाँ पर 234 का फैंटेसी पॉइंट दे के आ रहा है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेग ब्रेक गुगली बॉलर है, तो सुनील नारायण को तो फिर से आप इस मैच में पिक कर लेना, ठीक है। बैटिंग से ना सही, बैटिंग बॉलिंग से भी आपको फैंटेसी पॉइंट जरूर देगा। तो दोनों में से आप यहाँ पर आंद्रे रसल और सुनील नारायण दोनों को पिक कर लेना। उसके बाद एक और ग्लेन मैक्सवेल है, कैमरन ग्रीन खेल नहीं रहा। अगर लाइनअप के बाद कोई टीम में चेंजेस होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि किसके जगह किसको लेना है, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पर देखो एक और बचता है विल जैक्स, तो विल जैक्स को आप टीम में पिक कर सकते हो ऑलराउंडर देखते हुए। अगर एक विकेट मिल जाए काफी बढ़िया है, और अगर 20-30 रन भी बना ले तो ग्रैंड लीग टीम में आ जाएगा, ठीक है। तो विल जैक्स को आप यहाँ पर पिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर है रमनदीप सिंह, देख सकते हो 6 मैच खेले हैं जिसमें से सिर्फ 1 मैच बढ़िया खेला है, बाकी सारे में फ्लॉप है, तो इसको ट्रम्प प्लेयर के लिए आपको नहीं लेना है। फाइनल बात करें सभी के हम बैटिंग लाइनअप के बारे में, तो देख सकते हो जैसा मैंने बताया विल जैक्स 3 नंबर का बैट्समैन है, तो खेलने का मौका मिलेगा, आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आंद्रे रसल 5 नंबर, सुनील नारायण 2 नंबर। तो यहाँ पर जो खिलाड़ी हम पिक करेंगे आंद्रे रसल, सुनील नारायण, उसके बाद यहाँ पर एक विल जैक्स को हम पिक करने वाले हैं। फाइनल हम यहाँ पर 3 ही लेके चलने वाले हैं, बाकी किसी खिलाड़ी को नहीं लेके जाएंगे, जिसमें से अपना विल जैक्स ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी होने वाला है, मात्र 50% सिलेक्शन चल रहा है। उसके बाद अगर हम बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो मिचेल स्टार्क इम्पोर्टेंट पिक होगा इस मैच के लिए, आप इसको टीम में ले लेना। हो सकता है फाफ डु प्लेसिस का मिचेल स्टार्क ही विकेट निकाल के ले जा सकता है, क्योंकि फाफ डु प्लेसिस और मिचेल स्टार्क जब भी आमने सामने हुए हैं, फाफ डु प्लेसिस का विकेट काफी बार मिचेल स्टार्क ने निकाल रखा है। उसके बाद यहाँ पर बात करें वरुण चक्रवर्ती की, तो वरुण चक्रवर्ती को आप फिर से टीम में पिक करना चाहो तो कर सकते हो, राइट हैंड बैट्समैन और ब्रेक बॉलर, ठीक है। उसके बाद लॉकी फर्गुसन है, राइट हैंड मीडियम फास्ट है। अगर आप आरसीबी की तरफ से एक पेसर्स गेंदबाज रखना चाहो, तेज गेंदबाज, तो आप यहाँ पर बेशक लॉकी फर्गुसन को रख सकते हो। हमको एक ही बॉलर अभी के टाइम पे बढ़िया दिखाई दे रहा है जो कि लॉकी फर्गुसन है, ठीक है। सिलेक्शन की बात करें 58% है। हर्षित राणा को फिर से आप ट्रम्प प्लेयर लेके चल सकते हो, बैक टू बैक पहले 2 मैच चले थे, फिर 2 मैच फ्लॉप है, लास्ट मैच अच्छा करके आ रहा है, राइट आर्म मीडियम फास्ट है, पेसर्स होने वाला है, अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा, तो आप इसको भी टीम में पिक कर लेना। यहाँ पर हर्षित राणा को ट्रम्प प्लेयर इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आरसीबी की तरफ से यश दयाल है, जो कि 6 मैच खेला है जिसमें सिर्फ 1 मैच अच्छा परफॉर्म किया है, बाकी मैचों में नहीं कर पाया है। उसके बाद नीचे देखो एक और खिलाड़ी है, विजय कुमार है आरसीबी की तरफ से, ये भी 3 मैच खेला है, सिर्फ एक मैच चला है, बाकी में फ्लॉप है। तो मतलब यहाँ पर सीधा सा आरसीबी के जितने भी प्लेयर हैं
सारे का फॉर्म खराब चल रहा है, चाहे वो बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो, ठीक है, लगातार बैक टू बैक मैच हार रही है। तो यहाँ पर जो खिलाड़ी हम पिक करने वाले हैं, एक लॉकी फर्गुसन को ले लेंगे आरसीबी की तरफ से, उसके बाद यहाँ पर मिचेल स्टार्क को ले लेंगे। टोटल दोस्तों हमारा 7-4 के कॉम्बिनेशन में टीम बन चुका है, फाइनल टीम बन के आपके सामने तैयार है। अब इसमें बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन को लेकर के। उससे पहले जैसा मैंने बोला, अगर लाइनअप के बाद इस टीम में कोई चेंज अपडेट आपको देखने को मिलता है तो उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहीं पे आपको फाइनल टीम ग्रैंड लीग का दिया जाएगा। और साथ में वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करके कमेंट जरूर करना, और साथ में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि इसी तरह का आप हमारा सिंपल और सटीक प्रिडिक्शन जो है हर मैच का देख सको, ठीक है। अब इसमें देखो सीबीसी के लिए जैसा मैंने बोला, सारे लोग 44% लोग यहाँ पर जा रहे हैं सुनील नारायण के साथ कैप्टन, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ज्यादा जा रहा है तो विराट कोहली के साथ जा रहे हैं सभी लोग कैप्टन। तो यहाँ पर जो हम यूनिक करेंगे, हम सुनील नारायण को बना देंगे वाइस कैप्टन, और कैप्टन की अगर हम बात करें तो कैप्टन इस मैच में हम फिलिप सॉल्ट को लेके जाने वाले हैं। हालांकि कैप्टन वाइस कैप्टन का चॉइस आपका रहेगा, लेकिन जो मेरा प्रिडिक्शन मेरा ओपिनियन कहता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा टीम अलग बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर फिलिप सॉल्ट को 3% सिलेक्शन है, मैं कैप्टन बनाऊंगा, वाइस कैप्टन सुनील नारायण अपना रहने वाला है। अदर ऑप्शन में आपको रिस्क लेना हो तो आप विराट कोहली को वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकते हो, ज्यादा भी स्कोर नहीं करेगा तो वाइस कैप्टन में आप ट्राई कर लेना। उसके बाद आप आंद्रे रसल को कैप्टन वाइस कैप्टन में रिस्क लेकर ट्राई कर सकते हो, काफी ज्यादा सिलेक्शन गिर गया है, हो सकता है इस मैच में आंद्रे रसल कुछ बढ़िया आपको करके दे दे, ठीक है। अब फाइनल ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन पहला आपके सामने बन के तैयार है। अब बात करते हैं टीम नंबर दूसरा के कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। तो दूसरा में देखते हैं कौन से खिलाड़ी को लेकर चलेंगे, किसको छोड़ के चलेंगे। तो दूसरा में भी हम सिर्फ फिलिप सॉल्ट को लेकर चलेंगे, दिनेश कार्तिक इसमें भी मेरा ड्रॉप रहने वाला है। उसके बाद बैटिंग की अगर बात करें तो विराट कोहली को फिर से हम पिक कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक श्रेयस अय्यर को दोबारा से पिक करेंगे, उसके बाद एक यहाँ पर रजत पाटीदार है, ठीक है, उसके बाद लोमोर है। तो यहाँ पर बैटिंग अगर लाइनअप देखा जाए तो आरसीबी का काफी ज्यादा विकेट गिरने वाला है, लोमोर को भी खेलने का मौका मिलेगा, दिनेश कार्तिक चौहान को भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पाटीदार को ही फिर से ट्रम्प प्लेयर दोस्तों पिक करने वाले हैं। तीन हमने बैट्समैन यहाँ से ले लिए हैं, रघुवंशी को इस टीम में हम ड्रॉप करके यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। रघुवंशी का अगर आपको हम बैटिंग लाइनअप दिखाएं, हालांकि 3 नंबर का खिलाड़ी है, अगर आप पिक करना चाहो तो फिर से टीम में पिक कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम चलते हैं ऑलराउंडर सेक्शन पे, जहाँ पे आंद्रे रसल, सुनील नारायण, विल जैक्स, ये खिलाड़ी फिक्स है, इतने में लेके चलूंगा। उसके बाद फिर से वापिस आए हम बॉलिंग सेक्शन पे, तो मिचेल स्टार्क अपना फिक्स है, लेके जाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती, लकी फर्गुसन है, हर्षित राणा, तो हर्षित राणा को पहले हम पिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टोपली है, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, इसमें वरुण चक्रवर्ती और लकी फर्गुसन, एक नया खिलाड़ी हम यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती को दोस्तों हमने ऐड कर लिया है, ठीक है। अब यह बन चुका है फाइनल ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन दूसरा। अब इसमें देखते हैं सीबीसी के लिए कौन बेस्ट ऑप्शन होगा। तो वाइस कैप्टन अपना सुनील नारायण ही छोड़ देंगे हम, कैप्टन हम रिस्क लेके इस मैच में हम आंद्रे रसल के साथ चले जाएंगे, ठीक है। फाइनल ग्रैंड लीग का टीम कॉम्बिनेशन दूसरा आपके सामने बन के तैयार है। उम्मीद करता हूँ कि हमारा सिंपल एंड सटीक सा प्रिडिक्शन आपको पसंद आया होगा, तो आपने वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दिया होगा। बाकी फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों फिलहाल यहीं तक रहता अपना मैच का प्रिडिक्शन, तो मिलते हैं आप सभी से अपने अगली वीडियो में।